10th chemistry chapter 4 carbon and its compound birthday special class है। इस क्लास में आपको फुल रिवीजन करवाया जाएगा चैप्टर 4 का। जैसा कि आप जानते हैं इस क्लास का नाम है तांडव। हर हर महादेव। तो आप लोग आज के लिए एक थॉट सुनिए। हो चुका आगाज रड़ का युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। मुकाबला टक्कर का होना चाहिए। तो आज हम लोग इस क्लास को अब स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 4 ये स्पेशल क्लास है, आज बर्थडे स्पेशल। ओके, तो आइए अब हम लोग देखते हैं चैप्टर 4 में क्या है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। आप लोग हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इस क्लास को आप जितना ज़्यादा शेयर करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे वो लोग सब्सक्राइब करेंगे और उतना ही हम ऐसे ही आपको चैप्टर वाइज रिवीजन करवाएंगे, इम्पोर्टेंट नोट्स देंगे और एक्सरसाइज पूरा फुल आपको कराएंगे और समझाएंगे। तो आइए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। कार्बन इज ए वर्सटाइल एलिमेंट। कार्बन जो है वो एक वर्सटाइल एलिमेंट है, मीन्स कार्बन जो है वो किसी के साथ ढल सकता है। इन अर्थ क्रस्ट कार्बन इज 0.02% एंड फाउंड इन फॉर्म ऑफ मिनरल्स। हमारे अर्थ पर कार्बन की मात्रा कितना है, 0.02% है और यहाँ पर मिनरल्स भी पाया जाता है। एटमॉस्फेयर हैज 0.03% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ऑल लिविंग स्ट्रक्चर्स आर कार्बन बेस। और हमारे एटमॉस्फेयर में 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है। अब आता है क्या, कोवैलेंट बॉन्ड इन कार्बन। कोवैलेंट बॉन्ड इन कार्बन ये क्या होता है, ये हम आपको बता चुके हैं। बस आज आपको क्या बताना है, क्विक रिवीजन मींस फटाफट रिवीजन आपको करवाना है। तो अब आइए देखते हैं। द एटॉमिक नंबर्स ऑफ कार्बन इज 6 एंड इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 2-4। एटॉमिक नंबर कार्बन का कितना होता है, 6 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है, 2-4। टू अटेंड ए नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन 8-10। ये जो है नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अटेंड करता है। गेन 4 इलेक्ट्रॉन बट इट वुड बी डिफ़िकल्ट फॉर न्यूक्लियस टू होल्ड 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। ये जो है कार्बन जो है, ये पूरे की समरी हम बता दे रहे हैं आपको इसमें क्या है। जैसे कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, कहाँ पे, आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। तो ये ना तो 4 इलेक्ट्रॉन किसी से ले सकता है, क्योंकि अगर वो 4 इलेक्ट्रॉन किसी से लेगा तो इसके जो न्यूक्लियस है वो उसमें बहुत प्रॉब्लम होगी। जैसे आप लोग हैं तो आप लोग अगर 2 पराठा खाते हैं, अगर कोई 2 और दे दें तो आप नहीं खा पाएंगे। तो ठीक वैसे कार्बन भी है, कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है और 4 कोई और दे दे, ये ले पाएगा कि नहीं ले पाएगा, नहीं ले पाएगा, तो ये कैंसिल हो गया। अब आता है ये 4 इलेक्ट्रॉन अपना लॉस करे। जैसे आप लोग अगर 2 पराठा खाते हैं तो वो अगर 2 पराठा भी ना खाएं तो आप चल नहीं पाएंगे, आपको चक्कर आएगा। ठीक वैसे ही कार्बन जो है अपना 4 इलेक्ट्रॉन जो है वो ना तो लॉस भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा एनर्जी की पहले ज़रूरत पड़ेगी, फिर ये अपना 4 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। तो अब यहाँ पे क्या आता है, ना तो ये 4 इलेक्ट्रॉन ले पाता है और ना ही अपना 4 इलेक्ट्रॉन दे पाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये एंड होता है। अब इसमें इसलिए कार्बन पे कितनी वैलेंसी आती है, टेट्रा वैलेंसी आती है। ओके, यहाँ पे कार्बन जो है वो नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अटेंड कर लेता है, जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन। अब यहाँ पे जैसे सबका स्ट्रक्चर बना के दिखाया गया है, ये सब हम बहुत अच्छे से समझाए हैं। आप लोग को अगर और अच्छे से समझना है तो आप जाके वीडियो को देख सकते हैं। बस यहाँ पर आपका क्विक रिवीजन होगा। अब यहाँ पे H2 है, तो H2 मीन्स एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन। यहाँ पे एक एक हाइड्रोजन है, दोनों एक दूसरे से जब शेयर किए तो ये एक इलेक्ट्रॉन अपना इसको देगा और ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। जब ये दोनों एक दूसरे से मिल जाते हैं
वहाँ पे इसका नाम हो जाता है H2 मॉलिक्यूल्स, मीन सिंगल सिंगल बॉन्ड का यहाँ पे फॉर्मेशन होता है लाइक दिस। अब यहाँ पे O2 में आपका कौन सा बॉन्ड बनेगा, डबल बॉन्ड बनेगा, क्योंकि आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहता है, तो आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होना चाहिए। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन को देगा और ये ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन इसको देगा, ठीक है। फिर इस पे आ जाता है डबल बॉन्ड, जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन है यहाँ पे ऑक्सीजन है, तो इस दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आता है। अब यहाँ पे एक सिग्मा हो जाता है और एक पाई हो जाता है, ओके। आइए हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड बनता कैसे, हाउ आर मेक टू कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड बनता कैसे। तो कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है वो नॉन मेटल से बनता है। डिफिनेशन क्या है कोवेलेंट बॉन्ड का, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बिटवीन टू एटम, शेयर होता है इलेक्ट्रॉन दो एटम के बीच में, उसी को बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। या तो एक अपना नया डिफिनेशन है, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज ए कोवेलेंट बॉन्ड, ओके। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे हम लोग एग्जांपल देखते हैं, HCl, NaCl, KCl। अब यहाँ पे H क्या है, H जो है नॉन मेटल है, Cl मीन्स क्लोरीन क्या है, क्लोरीन भी आपका नॉन मेटल है। अब ये HCl कैसे बना, एक दूसरे से रिएक्शन करेगा नॉन मेटल्स, तब जो है कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। अब यहाँ पे कुछ कंडीशन है जो कि फॉर्मेशन करता है कोवेलेंट बॉन्ड का, तो आइए हम लोग भी देखते हैं, क्योंकि ये सब बहुत इम्पॉर्टेंट है, कहीं आपको मिलेगा नहीं, बट NCERT में है और आपके एग्जाम में भी पूछा जाता है। फॉर्म बिटवीन नॉन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, जैसे कोई आपसे पूछ लिया कोवेलेंट बॉन्ड बनता कैसे है, तो वहाँ पर आप यह बताएंगे कि नॉन मेटल से मिलकर जो है कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। सेकेंड है P ब्लॉक एलिमेंट से भी, जब ये P ब्लॉक एंड पी ब्लॉक के एलिमेंट आप लेंगे तो वहाँ पे जो फॉर्मेशन होता है वो किसका होता है, कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, क्लियर। अब इसका जो है एक थर्ड है क्या, फॉर्म व्हेन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन बॉन्डेड एटम इज लेस देन 1.8, जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस है बॉन्ड एटम में वो अगर 1.8 से लेस है तो आप वहाँ पे क्या बोलेंगे कि ये कोवेलेंट बॉन्ड का जो है फॉर्मेशन कर रहा है, क्लियर। जैसे हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन, कार्बन, ये सब आपका क्या है, ये सब आपका नॉन मेटल्स है, क्लियर। अब यहाँ पे जैसे HCl इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है, मीन्स HCl इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में H जो है आपका नॉन मेटल्स है, Cl जो है आपका नॉन मेटल्स है, ओके। तो हाइड्रोजन आपका नॉन मेटल्स है, इसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कितना है 2.22। अब क्लोरीन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कितना है 3.6 है। तो जो आपका बड़ा है उसमें से हम लोग छोटे वाले को माइनस करेंगे, जो आएगा वो आपका 1.8 से लेस देन आना चाहिए, तो वही आप लोग बोल सकते हैं ये जो है कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है, ओके। आपका क्लियर हो गया इतना, अब आगे चलें। आइए अब आपका एक नया टॉपिक आता है क्या, वेरिस्टाइल नेचर्स ऑफ कार्बन एटम। तो कार्बन कितने टाइप का होता है, दो, कैटिनेशन और दूसरा है टेट्रा वैलेंसी। तो कैटिनेशन क्या होता है इसके बारे में आप लोग जान चुके हैं, बस अब आप लोगों को एक क्विक सा रिविजन करना है। सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी आर प्रेजेंट इज नोन एज ए कैटिनेशन, मीन्स सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी जिसमें प्रेजेंट हो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, कैटिनेशन। लाइक कार्बन सिलिकॉन फ्रॉम कंपाउंड विथ हाइड्रोजन अप टू 7R8 सिलिकॉन। जैसे यहाँ पे सिलिकॉन है, मीन्स ये 8 है, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये एक दूसरे से मिलके बना, मीन सेल्फ लिंकिंग किया है, तो इसको हम लोग बोलते हैं कैटिनेशन। अब यहाँ पे आता है क्या, टेट्रा वैलेंसी मीन्स क्या होता है, 4 वैलेंसी वाला। अब यहाँ पे हैविंग ए 4 वैलेंसी, टेट्रा मीन्स इसकी वैलेंसी 4 होगा। जैसे कार्बन की वैलेंसी कितना है, 4 है, ओके। ये भी इम्पॉर्टेंट है और बार बार पूछा जाता है, आपके एग्जाम में एक नंबर का भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कार्बन
कौन सी वैलेंसी होता है, वन टू या थ्री या टेट्रा, तो आप वहां पे बोलेंगे टेट्रा। टेट्रा मीन्स होता है फोर वैलेंसी वाला। अब क्या है कि टाइटेनेशन में कुछ प्रॉपर्टी भी है, वो आप लोग थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। लॉन्ग चैन ऑफ कार्बन, कार्बन का जो है वो लॉन्ग चैन होना चाहिए। ब्रांचेस चैन ऑफ कार्बन आर इवन कार्बन एटम अरेंज इन रिंग, जो रिंग है उसमें आपका इवन कार्बन एटम प्रेजेंट होना चाहिए। जैसे यहाँ पे यस है तो यहाँ पे एट यस सिलिकॉन जो है प्रेजेंट है, तो एट क्या है आपका इवन है। अगर ऑड बोलता तो आपका वन थ्री फाइव ये सब ऑड है, इवन बोला मीन्स टू फोर सिक्स एट, ये आपका इवन में आता है। तो जो रिंग में बना हो, जैसे ये आपका रिंग है तो इसमें कितना कार्बन है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, सिक्स कार्बन है, ये आपका इवन है। तो ऐसा होना चाहिए, या तो ये जो बना है ब्रांच हर जगह लगा है, यहाँ पे सी एल यहाँ पे सी, ऐसे ऐसे जुड़ा हो, ठीक है। तो लॉन्ग चैन होना चाहिए, ब्रांच होना चाहिए, अगर इवन नंबर का रिंग है तो वैसा होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, डबल बॉन्ड होना चाहिए, सिंगल बॉन्ड होना चाहिए और ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। और कार्बन कार्बन बॉन्ड इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, कार्बन और कार्बन के बीच में जो बॉन्ड बनता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। ओके अब आता है सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड, ये आपका यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पुट ऑफ होता है। अब यहाँ पे आता है हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन कितने टाइप का होता है, तो हाइड्रोकार्बन इज टू टाइप्स, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड जो होता है इसमें सिंगल बॉन्ड जो होता है वो प्रेजेंट होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं कि सैचुरेटेड है। जैसे हैविंग सिंगल बॉन्ड बिटवीन एटम्स ऑफ कार्बन, कार्बन के एटम के बीच में जब सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट हो उसी को हम लोग बोलते हैं सैचुरेटेड। अगर सिंगल बॉन्ड है तो वहाँ पे एनी जुड़ता है, मीन्स वहाँ पे हम लोग बोलते हैं एल्केन आर लेस रिएक्टिव। अब यहाँ पे जैसे कार्बन है तो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो जब सिंगल बॉन्ड रहता है तो ए एन ई लगता है। फार्मूला क्या है, सी एन एच टू एन प्लस टू, ये आपका फार्मूला है। ओके जैसे एन की वैल्यू वन रखेंगे तो सी वन एच टू इंटू वन प्लस टू, सी वन हो जाएगा एच फोर हो जाएगा। यहाँ पे आपका कार्बन वन है तो मेथ होता है, फिर यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है तो मेथेन हो जाएगा, क्लियर। अब आपको ऐसे बना लेना पड़ेगा मेथेन इथेन, अगर दो कार्बन है तो इथेन होगा, तीन कार्बन है प्रोपेन होगा, फोर कार्बन है ब्यूटेन होगा, फाइव कार्बन है पेंटेन होगा, सिक्स कार्बन है हेक्सेन होगा, सेवन कार्बन है तो हेप्टेन होगा, अगर एट कार्बन है तो ऑक्स होगा, अगर नाइन कार्बन है तो नियो होगा, अगर टेन कार्बन है तो डेक्स होगा। और इसका नाम आपके एग्जाम में कैसे पूछा जाता है, एक नंबर में डिफाइन द वर्ल्ड रूट, अगर आपसे पूछ लिया डिफाइन द वर्ल्ड रूट, आपके एग्जाम में एक नंबर में पूछता है वर्ल्ड रूट बोल दिया, तो आप लोग वन से लेकर टेन तक लिखेंगे, फिर वहाँ पे लिखेंगे ये मेथ है, ये एथ है, ये प्रोप है, ये ब्यूट है, ये पेंट है, ये हेक्स है, ये हेप्ट है, ऐसे ऐसे डॉट 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 आप टेन तक लिख डालेंगे। ओके अब आता है अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड क्या होता है, इसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड रहता है कार्बन कार्बन आइटम के बीच में, उसी को हम लोग बोलते हैं कि अनसैचुरेटेड है। अब जैसे अगर डबल बॉन्ड है तो क्या होगा, डबल बॉन्ड है तो उसका जनरल फार्मूला होगा सी एन एच टू एन, ठीक है, मीन्स एन का डबल जब रहेगा तो वो डबल बॉन्ड है। अब डबल बॉन्ड में क्या लगता है, ई एन ई, जहाँ पर भी डबल बॉन्ड ऐसे आ जाए, मीन्स एक बॉन्ड ये सिंगल बॉन्ड है उसके ऊपर एक बॉन्ड और आ जाए, तो वहाँ पर हम लोग क्या बोलते हैं कि ये ई एन ई है, क्लियर। अब यहाँ पे एग्जाम्पल क्या है, सी एन यहाँ पे एक्सरसाइज है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा सी एन एच टू एन, एन की वैल्यू अगर आप लोग वन रखेंगे तो नहीं आएगा, एन की वैल्यू अगर आप लोग टू रखेंगे, जैसे एन की वैल्यू अगर हम लोग वन रखते हैं तो क्या आएगा सी एच टू आ जाएगा, तो ये क्या सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे ये वाला जो है
मीन्स कार्बन का टेट्रावेलेंसी होता है तो आपका कंप्लीट नहीं हो पाएगा, इसलिए यहाँ पर वन जो है एन की वैल्यू छोड़ दिया गया है और डायरेक्ट एन की वैल्यू टू से स्टार्ट किया गया है, C2H4। तो C2H4 आपका क्या है, ये आपका डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड के लिए क्या लगता है, EN नहीं लगता है। अब आता है ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड में और एक चीज़ और, यहाँ पे एक सिग्मा होगा और एक पाई होगा, एक सिग्मा होगा एक पाई होगा। सिंगल बॉन्ड में बस सिग्मा होगा, पाई नहीं होगा। ट्रिपल बॉन्ड में क्या होगा, एक सिग्मा, यहाँ पे आपका दो पाई होगा और एक सिग्मा होगा। ये सिग्मा होगा, ये पाई होगा और ये पाई होगा। थोड़ा आप लोग इसको देख लीजिएगा। अब यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड में क्या लगता है, YNE ट्रिपल बॉन्ड में लगता है CnH2n-2। सिंगल बॉन्ड में क्या होता है, CnH2n+2 ऐड होता है। डबल बॉन्ड में क्या होता है, CnH2n होता है। ट्रिपल बॉन्ड में क्या होता है, 2 माइनस हो जाता है। यही इन तीनों में डिफरेंस है। अब यहाँ पे CnH2n-2 हो गया है। अब यहाँ पर n की वैल्यू जब हम लोग 2 रखते हैं, C2H2 आता है। क्लियर, ऐसा आपका फिगर बनेगा। अब आपका एक टॉपिक आता है, कौन सा, हेट्रो एटम्स एंड फंक्शनल ग्रुप। ये क्या होता है, इन हाइड्रोकार्बन चैन वन आर मोर हाइड्रोजन एटम कैन बी रिप्लेस बाय अदर एटम इन ए अकॉर्डेंस विद दियर वैलेंसी। वैलेंसी के अकॉर्डिंग हाइड्रोजन हाइड्रोकार्बन चैन से एक हाइड्रोजन या एक से अधिक मीन्स दो हाइड्रोजन जब रिप्लेस हो जाता है, उसी को क्या बोला जाता है, हेट्रो एटम्स बोला जाता है। उस एलिमेंट को क्या बोला जाता है, हेट्रो एटम्स। अब फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप किसे बोला जाता है, दोज केमिकल स्पीसीज विच हैव नेचर ऑफ कंपाउंड इज डिपेंडेंट इज नोन एज ए फंक्शनल ग्रुप। क्लियर, ये आपका आ गया हेट्रो एटम्स, ये है फंक्शनल ग्रुप और ये है फार्मूला। अब यहाँ पे Cl बी मतलब फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ये आपका एक्स ग्रुप है मीन्स, और इसको हम लोग हेलो ग्रुप भी बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे फार्मूला कैसे बनता है, Cl2 या Br2 मीन्स आपका ये सब है। फंक्शनल ग्रुप में क्या क्या आता है, एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक। अब एल्कोहल के लिए क्या सिंबल लगता है, फार्मूला एल्कोहल का क्या है, OH जहाँ पे रख दिखेगा आपको, आप बोलेंगे ये एल्कोहल है। और जहाँ पे C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H दिख जाए, वहाँ पे आप क्या बोलेंगे, ये आपका एल्डिहाइड है। कीटोन कैसे आप पहचानेंगे, C डबल बॉन्ड O अगर आपको दिख जाए तो वहाँ पे वो कीटोन है। कार्बोक्सिलिक एसिड मीन C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH अगर आपको दिख जाए वो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है। ये आपका इन सब में सबसे ज़्यादा ये होता है स्ट्रॉन्ग, फिर ये होता है, फिर आपका ये होता है, फिर ये। ओके, अब यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है, वो टॉपिक का क्या नाम है, होमोलॉगस सीरीज। हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप लोग हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए, जल्दी लाइक करिए, एक लाइक तो बनता है ना। होमोलॉगस सीरीज, होमोलॉगस सीरीज क्या होता है, जैसे फंक्शनल ग्रुप है तो फंक्शनल ग्रुप का कंपाउंड है जैसे ये, तो इनमें क्या होना चाहिए, ये एक सीरीज, पहली बात ये एक सीरीज होना चाहिए, है सीरीज में, हाँ है। तो अब दूसरी बात ये होता है कि इन दोनों के डिफरेंस में क्या होना चाहिए, CH2 का डिफरेंस होना चाहिए। क्या इन दोनों में CH2 का डिफरेंस है, हाँ है। यहाँ पे एक कार्बन है, यहाँ पे दो कार्बन मीन्स एक कार्बन हो गया, यहाँ पे तीन हाइड्रोजन है, एक चार, अब यहाँ पे कितना हाइड्रोजन है, छः है, तो छः और चार मीन्स दो, दो का डिफरेंस है मीन्स CH2 का डिफरेंस है, तो ये राइट है। ठीक है, अब आपका यही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्या, मीन्स CH2 का डिफरेंस होना चाहिए, 14 यूनिट ऑफ मास होना चाहिए, इसका 12 हो जाएगा, इसका 2, 12 प्लस 2, 14 हो जाएगा, किसका, इसका मास, किसका, बस CH2 का। ओके, ये आपका जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टी जो होता है वो सेम होता है फंक्शनल ग्रुप का, और डिफरेंट होता है फिजिकल प्रॉपर्टीज।
तो अब यहाँ पे क्या होता है, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है इंक्रीज करता है। क्यों इंक्रीज करता है? क्योंकि इंक्रीज करता है मॉलिक्यूलर मास। आप लोग इसको लिख लीजिएगा और सब रट डालिए, क्योंकि आपके एग्जाम में ये सब क्वेश्चन पूछता है और 100% श्योर है पूछेगा ही पूछेगा। और ये जो चैप्टर है ना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है मेरे भाई, आप लोग पढ़िए और अच्छे से सब कुछ तैयार करेंगे, आपका नंबर बहुत अच्छा आएगा। बस आप लोग टेंशन मत लीजिएगा एग्ज़ाम के टाइम में, ओके। अब आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक फिर से एक आता है, ये चैप्टर ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप लोग कहेंगे बार बार मोस्ट इम्पॉर्टेंट आ रहा है, ये सब जब आप लोग एग्ज़ाम में जाएंगे ना, ये सब आपका अभी बेसिक है। जब आप लोग ये सब सीख जाओगे, आप 11th में जाएंगे ना, आपको सब यही मिलेगा। आप लोग अगर अभी जाने रहेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ओके। तो आप लोग इसका एक नोट्स बनाइए अच्छे से, और जो हम बताए हैं अच्छे से सब आप अच्छे से लिख डालिए। वीडियो को पॉज करिए, अच्छे से लिखिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। अब यहाँ पे क्या है, नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड, ये आपका टॉपिक है। इस टॉपिक में आपको बताना क्या है, ये आपका फंक्शनल ग्रुप है, ये आपका सफिक्स है और ये आपका प्रीफिक्स है। कहाँ आपका सफिक्स लगेगा, कहाँ आपका प्रीफिक्स लगेगा, ये सब हम बहुत अच्छे से बताए हैं वीडियो में, आप लोग जाके देख लीजिएगा। बस यहाँ पे हम फटाफट आपको बताएंगे, क्योंकि मुझे रिवीजन करवाना है आप लोगों का, है ना। तो बस आपके माइंड में वो चीज़ें अगर आप पढ़े हैं तो आ जाए, और नहीं पढ़े हैं तो कोई बात नहीं, हम यहाँ पे बता रहे हैं, आप लोग फिर जाके वीडियो देख लीजिए, ओके। तो आपको सारी बातें अच्छे से समझ में आ जाएंगी। अब यहाँ पे है एल्कीन। एल्कीन क्या है, एल्कीन मीन्स ENE है। तो जब ENE आ जाए तो वहाँ पे आपका सफिक्स लगेगा, क्या, ENE। अब यहाँ पे एल्काइन है, एल्काइन मीन्स आपका ट्रिपल बॉन्ड है, तो यहाँ पे YNE लगा है। एल्कोहल है मीन्स OL है, तो आपका यहाँ पे सफिक्स अगर है तो क्या लगेगा, OL लगेगा। इसके लिए प्रीफिक्स भी लगता है, लेकिन आपको वो यहाँ पे नहीं बताया जाएगा, जब आप लोग 11th में जाएंगे उस लेवल में आपको अच्छे से बताया जाएगा। अभी बस आपका बेसिक, ये यहाँ से जो IUPAC नोमेनक्लेचर पूछेगा एकदम बेसिक पूछेगा, आप लोग कर ले जाएंगे। अब यहाँ पे कीटोन, एल्डिहाइड के लिए आप, अब यहाँ पे इसमें और इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है। एल्कोहल के लिए सब लोग AL लगा देते हैं और एल्डिहाइड के लिए सब लोग OL लगा देते हैं, जबकि यहाँ पे जस्ट अपोजिट है। एल्कोहल के लिए OL होता है मीन्स OL, यहाँ पे है एल्कोहल में तो OL यहाँ पे होगा। यहाँ पे एल्डिहाइड है मीन्स यहाँ पे आप लोग, यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे आप लोग क्या लगाएंगे, AL लगाएंगे। कीटोन के लिए ONE लगाएंगे, ये आपका फिक्स है, आप याद हो गया होगा। कार्बोक्सिलिक एसिड, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट एसिड है, ये हमेशा पूछा जाता है और इसका नाम आपको हमेशा याद करना पड़ेगा, ओइक एसिड, OICACID, ओइक एसिड है, ये हमेशा आपको मिलेगा। आप लोग जब 11th में, 12th में या उसके बाद आप लोग नीट या IIT कुछ भी आप करेंगे वहाँ पे ये सब तो रहेगा, बट ये ज़रूर रहता है कार्बोक्सिलिक एसिड, ओके। क्लोरीन, क्लोरीन क्या है, क्लोरीन आपका प्रीफिक्स में आ जाएगा, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, ये सब आपका प्रीफिक्स में आएगा, ओके। तो अब आप कैसे करेंगे, यहाँ पे आप थोड़ा सा देख लीजिए, सफिक्स में आप कैसे ऐड करेंगे। जैसे यहाँ पे मेथेनॉल है, ये ऑल है मीन्स ये एल्कोहल वाला है, तो ये कैसे जोड़ा जाता है, जैसे मेथेन है, CH4 है, तो मेथेन फार्मूला क्या होता है, CH4, तो इसमें OL जोड़ा जाता है, तो यहाँ से एक O और आप जोड़ देंगे मीन्स CH3OH, ठीक है। अब एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है, कौन सा, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन आइटम, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन आइटम, ये जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से जैसे ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा व्हाट इज कंबसन, यहाँ पे आपको रिएक्शन दे देगा, वो आपको बैलेंस करना होगा, और इधर वाला जो प्रोडक्ट बना है ये आपको प्रोडक्ट, बस आपको रिएक्टेंट करके देगा, आपको प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा, क्या बनेगा, कैसे बनेगा, क्या रिलीज होगा, क्या लाइट निकलेगी या नहीं, ये सब आपको करना पड़ेगा। फिर बैलेंस है या नहीं बैलेंस है, वो आपको बैलेंस करना पड़ेगा। तो आइए हम लोग यहाँ पे देखते हैं कंबशन, कंबशन क्या होता है।
कार्बन कंपाउंड जनरली ऑक्सीडाइज इन एयर टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड रिलीज हीट एंड लाइट एनर्जी। यहाँ पे कंबशन क्या होता है, कंबशन होता है ये जो कार्बन कंपाउंड होता है, मीन्स जब हम कार्बन को किसी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो बनता है क्या, कार्बन डाइऑक्साइड ही बनेगा और हमेशा बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर बनेगा और वहाँ पर आपका रिलीज क्या होगा, हीट और लाइट आपका रिलीज होगा। ओके, जैसे हम लोग हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन जैसे हम लोग लकड़ी को जलाते हैं तो ये आपका क्या है, ये आपका हाइड्रोकार्बन। जो हम लोग कोयला को जलाते हैं ये क्या है, ये आपका हाइड्रोकार्बन है। जो हम लोग सिलेंडर घर में जलाते हैं वो क्या है, वो आपका हाइड्रोकार्बन है। जो बायोगैस है वो आपका क्या है, वो भी आपका हाइड्रोकार्बन ही है। हाइड्रोगैस नहीं, हाइड्रोकार्बन, मतलब बायोगैस जो होता है वो आपका क्या है, हाइड्रोकार्बन ही है। आप जो चूल्हा जलाते हैं गांव में वहाँ वो क्या है, वो भी आपका हाइड्रोकार्बन ही है। जो हम लोग सिलेंडर यूज करते हैं वो क्या है, वो भी आपका हाइड्रोकार्बन है। मीन्स ये सब जो चीज़ें हैं सब आपका हाइड्रोकार्बन है। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात आता है, क्या जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जब बर्न होता है तो वहाँ से एक फ्लेम निकलता है, ब्लू कलर का फ्लेम निकलता है जो कि अच्छा होता है, और एक और निकलता है येल्लो सूटी फ्लेम, ये भी आपका लिमिट सप्लाई ऑफ एयर। ये सब भी आपका, ये जो फ्लेम है ये सब आपका निकलता है, कोई अच्छा होता है और कोई जो है, और सबका यूज किया जाता है। जैसे सूटी फ्लेम इज सीन व्हेन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आर बर्न, सूटी फ्लेम कब निकलता है कि जब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आप बर्न करेंगे तो आपका सूटी फ्लेम निकलेगा, और जब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आप बर्न करेंगे तो क्या निकलेगा, ब्लू फ्लेम आपका निकलेगा जो कि अच्छा होता है। अब ये जो पेट्रोल होता है और कोयला होता है, सल्फर ऑक्साइड ऑफ सल्फर होता है, नाइट्रोजन होता है, ये सब क्या है, ये सब भी आपका मीन्स ये सब भी कंबशन में आता है, मीन्स आपका ये सब भी हाइड्रोकार्बन में भी आता है। और आप यह भी बोल सकते हैं कि जो भी चीज़ें लिविंग थिंग से प्राप्त होती हैं वो आपका हाइड्रोकार्बन है। ओके, आइए अब हम लोग एक प्यारा सा थॉट सुनते हैं, उसके बाद फिर से पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। लगा दो आग पानी में जवानी उसे कहते हैं, और छीन लो नंबर कहानी उसे कहते हैं। ये आपका पुराना थॉट हो चुका है लेकिन आपको मज़ा देगा, क्योंकि ये सब थॉट जब आप लोग पढ़ते रहेंगे तो आपके अंदर थोड़ा सा जोश आ जाता है। जब आपके अंदर जोश आ जाता है फिर से आप अच्छे से पढ़ाई करना स्टार्ट कर देते हैं। आइए अब हम लोग देखते हैं क्या ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन क्या होता है, ऑक्सीडेशन थोड़ा सा इसको हम लोग देखेंगे फिर इसके बारे में समझेंगे। एल्कोहल कैन बी कन्वर्टेड टू कार्बोक्सिलिक एसिड बाई ऑक्सीडाइजिंग देम यूजिंग एल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट आर एसिडिफाई पोटेशियम डाइक्रोमेट दे एडेड ऑक्सीजन टू द रिएक्टेंट दस आर कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। पहली बात तो ऑक्सीडेशन क्या होता है इसको हम लोग जानेंगे, रिडक्शन क्या होता है हम लोग इसको जानेंगे। तो आप लोग बताएंगे ऑक्सीडेशन क्या होता है, थोड़ा कमेंट करके बताइए ऑक्सीडेशन क्या होता है और रिडक्शन क्या होता है, हम आपको बता चुके हैं, बताइए सब लोग कमेंट करिए फटाफट। और हाँ, कुछ लोग कमेंट करके बताते हैं कि ये वीडियो आपका अच्छा बना है, आप यहाँ पे थोड़ा सा गलत बोल दी हैं तो आप इसको सही कर लीजिए, तो कोई बात नहीं, मुझे अच्छा लगता है, आप लोग भी बताया करिए कहाँ पे गलत बोले, ठीक है, क्योंकि कमी हमारी दूर हो जाएगी आप लोगों की वजह से। अगर आप लोग बताएंगे तभी तो कमी दूर होगी, तभी तो हम जानेंगे कि हाँ हम यहाँ पे गलती किए, क्योंकि गलतियाँ सबसे होती है, तो आप लोग क्षमा करिएगा अगर गलती हो जाएगी। ओके, तो अब आप लोग ये बताइए ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन क्या होता है, ऑक्सीडेशन में आप लोग लिखिए रिमूव ऑफ हाइड्रोजन गेन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूव होता है आपका हाइड्रोजन और गेन होता है ऑक्सीजन। ये होता है किसमें, ऑक्सीडेशन में। रिडक्शन में क्या होता है, रिडक्शन में आपका गेन होता है हाइड्रोजन और लॉस होता है आपका ऑक्सीजन। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में क्या होता है, प्रोड्यूस होता है ऑक्सीजन, मीन्स अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो यहाँ पे आपका रिडक्शन होगा, अगर रिड्यूक्सिंग
एजेंट है तो वहाँ पे आपका ऑक्सीडेशन होता है। अगर रिडॉक्स रिएक्शन है तो वहाँ पे आपका ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोथ आर प्रेजेंट। ओके, क्लियर हुआ इतना। अब यहाँ पे देखा जाए, जब एल्कोहल कन्वर्ट होता है किसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड में, तो कैसे होता है, क्या करना पड़ता है, तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं KMnO4 मीन्स पोटेशियम पर मैग्नेट का यूज करते हैं। और पोटेशियम डाइक्रोमेट का जब हम यूज करेंगे तभी जो है ये जो एल्कोहल यहाँ पे कुछ भी रहेगा, कोई भी एल्कोहल रहेगा, वो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तभी होगा जब आपके MnO4 या K2Cr2O7 का यूज करेंगे, तभी आपका जो है ये कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होगा, और नहीं तो नहीं होगा। अब आपका क्या आता है, एडिशन रिडक्शन। एडिशन रिडक्शन में क्या होता है, आपका ऐड होगा क्या, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन इज एडेड टू अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम आर निकिल आर कैटलिस्ट। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, हाइड्रोजन ऐड कैसे होता है, जैसे यहाँ पे आपका एग्जांपल दिया है H2 निकिल या निकिल कैटलिस्ट या पैलेडियम PB के प्रेजेंस में जब आप लोग करवाएंगे रिडक्शन, जैसे ये आपका रिएक्टेंट है, तो ये जब आप कैटलिस्ट या निकिल या पैलेडियम के प्रेजेंस में करवाएंगे, तो यहाँ पे ऐड होता है क्या, हाइड्रोजन। क्लियर हुआ, हाँ क्या। अब यहाँ पे वेजिटेबल्स आयर जो होता है वो कन्वर्ट होता है किसमें, वेजिटेबल्स आयर आर कन्वर्ट इनटू वेजिटेबल्स घी यूजिंग दिस प्रोसेस। वेजिटेबल्स आयर जो होता है वो वेजिटेबल्स घी में कैसे कन्वर्ट होता है, हम लोग एडिशन रिडक्शन का जो है प्रोसेस को यूज करते हैं, तभी जो है ऑयल से वो घी में कन्वर्ट होता है। ओके, अब यहाँ पे आता है सैचुरेटेड फैटी एसिड आर हार्मफुल फॉर हेल्थ एंड ऑयल विथ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। जो सैचुरेटेड फैटी एसिड होता है वो हार्मफुल होता है हेल्थ के लिए, और जो ऑयल होता है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होता है। ओके, शुड बी यूज फॉर कुकिंग, जो हम लोग खाना बनाने में यूज करते हैं। अब आपका आता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता है, इन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन अटैच टू कार्बन कैन बी रिप्लेस बाई अनदर एटम्स आर ग्रुप ऑफ एटम इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। जैसे यहाँ पर CH4 है, मेथेन है, प्लस Cl2 के साथ जब रिएक्शन करवाया गया तो यहाँ से H और यहाँ से एक Cl दोनों निकल गया, मीन्स HCl यहाँ से रिमूव हो गया, आपका बना क्या, CH3Cl बना। ओके, तो ऐसे ऐसे अब यहाँ पे आप और कर सकते हैं, CH3Cl प्लस Cl2 के प्रेजेंस में करवाएंगे, फिर आपका HCl निकल जाएगा, बनेगा क्या, CH2Cl2। ऐसे ऐसे आप लोग कई बार इसका प्रोसेस कर सकते हैं जब तक आपका H जो है रिमूव ना हो जाए, तो इसी को हम लोग बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। समझ में आया, तो आप लोग एक बार हमारे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। अब यहाँ पे आता है इम्पोर्टेंट कार्बन कंपाउंड में इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड में आपको डिफरेंस बताया गया है। इथेनॉल जो होता है मेल्टिंग पॉइंट 156K होता है, बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है 351K मीन्स कैलोरी। सॉल्युएबल इन वाटर, इथेनॉल जो होता है, एल्कोहल जो होता है अगर वाटर में हम लोग मिला देते हैं तो मिल जाता है, ठीक है। बर्निंग टेस्ट यूज कहाँ होता है, इट इज़ आल्सो यूज इन मेडिसिन। मेडिसिन में हम लोग इसका, जैसे किसी को इस टाइम बहुत ज़्यादा यूज होता है किसका, इथेनॉल का, जैसे किसी को खांसी आ रही है तो वहाँ पे वो जो सीरप आता है ना, तो उसमें
50% से ज़्यादा मात्रा में आपका एल्कोहल मिला होता है तो आपका यूज हो गया। समझ में आ गया? यहाँ पे देखिए सिरप, कफ सिरप में ये सब का यूज होता है। ओके, अब आता है क्या, सोडियम, सोडियम विथ रिएक्शन, सोडियम का रिएक्शन किया जा रहा है। देखिए बनता क्या है, 2Na+2CH3CH2OH, इन दोनों का जब ये आपका क्या है, एल्कोहल है और सोडियम के साथ रिएक्शन करवाया गया तो बना क्या, सोडियम इथॉक्साइड। सोडियम इथॉक्साइड बहुत ज़्यादा आपको मिलेगा, इसका फार्मूला क्या है, 2CH3CH2O-Na++H2। ओके, अब यहाँ पे आपका ये इथेनॉल है, इथेनॉल हॉट कंसंट्रेशन में जब आप रिएक्ट करेंगे तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 हो जाएगा, मीन्स OH आपका यहाँ से आपका H2O बन के रिमूव हो जाएगा। जब आप हार्ड कंसंट्रेशन लेंगे H2SO4 मीन्स सल्फ्यूरिक एसिड के साथ इसको रिएक्ट करवाएंगे तो आपका क्या बन जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O आपका रिमूव हो जाएगा। अब आप लोग इथनोइक एसिड, इथनोइक एसिड क्या होता है, इथनोइक एसिड को हम लोग एस्टिक एसिड भी बोलते हैं और इसका 5-8% जो एस्टिक एसिड इन वाटर में होता है उसको हम लोग विनेगर भी बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, इतना होता है 290 कैलोरी, मीन्स के 290 के होता है। ठीक है, अब ये रिएक्शन कैसे करता है इथेनॉल, जब इथेनॉल और इथनोइक एसिड एक दूसरे से रिएक्ट होते हैं तो आपका इस्टर बनता है। ये आपका ये जो रिएक्शन है बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि रिएक्शन भी आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है और यहाँ से आपको NCERT का जो क्वेश्चन है, अगर आप लोग हमारा वीडियो देख रहे हैं तो आप लोग बोलेंगे तो हम हर एक चीज़ नोट्स बना चुके हैं, बस आपको पढ़ाना है और आप लोग जितना ज़्यादा वीडियो को शेयर करेंगे उतना ज़्यादा ही हम आपको एक्सरसाइज जो किए हैं आपको नहीं समझ में आएगा, हम आपको अच्छे से समझा देंगे, बट आप लोग शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। अब यहाँ पे इथनोइक एसिड प्लस इथेनॉल को जब हम लोग रिएक्ट करवाते हैं दूसरे से तो बनता क्या है आपका, इस्टर। क्या बनेगा, इस्टर बनेगा। जब इथनोइक एसिड प्लस इथेनॉल को रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, इस्टर बनेगा। इस्टर कब बनता है, जब इथेनॉल मीन्स एल्कोहल, एल्कोहल को इथनोइक एसिड आ गया ना, यहाँ पे इथनोइक एसिड, इथनोइक एसिड का बड़ा यूज है भैया, आप लोग थोड़ा अच्छे से देखिएगा। ठीक है, इथनोइक एसिड प्लस इथेनॉल इन दोनों को जब रिएक्ट करेंगे क्या बनेगा, इस्टर बनेगा। इथनोइक एसिड फार्मूला क्या है, CH3COOH, ये आपका इथनोइक एसिड है। इथेनॉल क्या है, CH3CH2OH, ये आपका इथेनॉल है। इसको किसके प्रेजेंस में हीट करवाएंगे, एसिड के। अब यहाँ पे क्या बनता है, CH3C(O), सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड CH2CH3, ये आपका इस्टर हो गया। इस्टर का स्मेल कैसा होता है, इस्टर आर स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस। इस्टर जो होता है इसका स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस होता है। इसका यूज क्या होता है, इसका यूज होता है जैसे परफ्यूम बनाने में होता है। ठीक है, और यहाँ पे कुछ रिएक्शन भी करवाया गया जैसे CH3COO C2H5। अब NaOH के प्रेजेंस में इसको हीट करवाया गया तो बना क्या, C2H5OH+CH3COO Na। ये सब इम्पॉर्टेंट है और ये सब आप लोग रिएक्शन जो है लर्न कर लीजिएगा। अब आपका एक टॉपिक और आता है, वेरी 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 इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्या, सोप एंड डिटर्जेंट, इन दोनों में डिफरेंस पूछता है, आप लोग पढ़ के जाइएगा। 5 नंबर का डिफरेंस यहाँ से पूछता है। अब यहाँ पे कैसे कैसे डिफरेंस पूछेगा हम आपको बता दे रहे हैं, फटाफट आप लोग देखिए। अगर इसको इस ज़्यादा डीपली पढ़ना है तो इस सबका अलग अलग वीडियो भी हम आपको बनाए, आप लोग जाके प्लेलिस्ट में है सब देख लीजिएगा इसी चैनल पर। अब यहाँ पे सोप, सोप क्या होता है, सोप इज सोडियम एंड पोटेशियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड विथ लॉन्ग चैन। सोप जो होता है, जब सोडियम और पोटेशियम साल्ट का साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रहेगा तो वो लॉन्ग चैन वहाँ पे होगा, उसी को सोप बोलते हैं। सोप जो होता है वो हमेशा इफेक्टिव होता है कहाँ पे, सॉफ्ट वाटर में, और अन इफेक्टिव होता है हार्ड वाटर में।
ओके अब यहाँ पे आता है डिटर्जेंट। डिटर्जेंट कैसे आप लोग पहचानेंगे ये डिटर्जेंट है? तो डिटर्जेंट होगा वहाँ पे अमोनियम और सल्फोनेट साल्ट होगा, वो भी कार्बोक्सिलिक एसिड विथ लॉन्ग चैन, और कार्बोक्सिलिक एसिड भी होगा वहाँ पे और लॉन्ग चैन भी रहेगा। लॉन्ग चैन दोनों में रहेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड दोनों में सेम रहेगा। डिटर्जेंट में आपका अमोनियम रहेगा, सल्फोनेट साल्ट रहेगा। सोप में आपका सोडियम एंड पोटेशियम साल्ट प्रेजेंट रहेगा, यही आपका पहचान है। अब यहाँ पे क्या आता है, एनायनिक पार्ट हाइड्रोफिलिक एंड ए लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चैन, हाइड्रोफोबिक पार्ट कॉन्स्टिट्यूएंट द सोप मॉलिक्यूल्स। अब यहाँ पे आता क्या है, ये आपका आयनिक एंड हाइड्रोफिलिक है, ठीक, और ये आपका जो है सब कार्बन चैन का बना रहता है। ये लॉन्ग चैन ऑफ कार्बन कार्बोक्सिलिक एसिड का है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, हाइड्रोफोबिक। अब यहाँ पे आप लोग एक बात इम्पॉर्टेंट है वो जानेंगे क्या, कि हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक में क्या अंतर है, हाइड्रोफोबिक क्या होता है और हाइड्रोफिलिक क्या होता है। तो जो हाइड्रोफोबिक होता है वो वाटर से अफेयर करता है, जैसे एक लड़का एक लड़की है वो एक दूसरे को जब देखते हैं तो वो लोग एक दूसरे से देखते हैं तो अट्रैक्शन होता है। अगर वही लड़का लड़का से देखता है या लड़की लड़की से देखती है वहाँ पे क्या होता है, मार झगड़ा हो जाता है ना। तो जब मार होता है या झगड़ा होता है, जब मार होता है तो वहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोफोबिक होगा, मीन्स दूर दूर रहो भैया। अगर लड़की वहाँ पे है और अगर कोई लड़का भी वहाँ पे है तो वहाँ पे क्या हो जाता है, लव हो जाता है। तो उसको बोलते हैं वाटर लविंग। वाटर लविंग किसको बोलेंगे, हाइड्रोफिलिक को। हाइड्रोफिलिक कब होगा, जब लड़की और लड़का दोनों मिलेंगे तो वहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोफिलिक होगा। बस आपको समझाने के लिए ऐसा हम आपको समझा रहे हैं ताकि आपको याद रहे, क्योंकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हाइड्रोफिलिक कब होगा, हाइड्रोफिलिक में लव होता है, किससे, वाटर से। और हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफोबिक में क्या होता है, अफेयर होता है, किससे, वाटर से। तो क्लियर हो गया होगा, आगे चले। अब आपका एक टॉपिक आता है, इसमें आपको क्या करना है, बस आपको इसमें समझना है क्या, कि स्ट्रक्चर्स ऑफ ए सोप मॉलिक्यूल्स। इसमें क्या होता है, जैसे कि जब आप लोग कपड़ा को धोते हैं या क्लीन करते हैं तो कैसे करते हैं, ये प्रोसेस यहाँ पर आपको शो करना है, उसी से आपको ये जो है समझ में आएगा बात। अब आप लोग थोड़ा यहाँ पे देखिए, जब इथेनोइक एसिड रिएक्ट करता है किसे, इथेनॉल से, तो बनता क्या है, इस्टर। जब इथेनोइक एसिड और इथेनॉल दोनों के एक साथ रिएक्ट करवाएंगे किसके प्रेजेंस में, एसिड, वो एसिड कौन सा होगा, H2SO4, मीन सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में जब हम लोग हीट करवाएंगे किसको, इथेनोइक एसिड और इथेनॉल को, तो बनता क्या है आपका, इस्टर बनेगा। ये जो हेडिंग है आपका इम्पोर्टेंट है, जैसा कि अभी हम जस्ट बताए थे। फिर आप लोग इसको देखिए और इसमें से एक स्वीट स्मेल निकलता है, क्लियर। अब यहाँ पे CH3COOC2H5, इसका आप लोगों को नाम याद है, नहीं ना, तो आइए हम लोग यहाँ पे देखते हैं, एथिल एसीटेट इसका नाम है। जब NaOH में सोडियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में इसको रिएक्ट करवाएंगे तो बनता क्या है, इथेनॉल और सोडियम एसीटेट, क्लियर। ये सब आपको नाम याद करना पड़ेगा। फिर यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस एसिटिक एसिड CH3COOH, ये भी बड़े काम का है, मीन्स आपको हर जगह एसिटिक एसिड बोला जाएगा। एसिटिक एसिड, फार्मिक एसिड, ये सब जो एसिड है मोस्ट इम्पॉर्टेंट एसिड है। आप लोग जब 11th में जाएंगे ऑर्गेनिक में सब आपको लगभग यही मिलेगा, एसिटिक एसिड ही, ओके। और ये कार्बोक्सिलिक एसिड तो आपको मिलेगा ही, इसलिए ये सब आपको ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, ओके। तब अब यहाँ पे क्या होता है, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस एसिटिक एसिड को रिएक्ट करवाएंगे तो बनेगा क्या, सोडियम एसीटेट बनेगा प्लस H2O। सोडियम एसीटेट का फार्मूला क्या होता है, CH3COONe, ओके। हम यहाँ पर फिर से क्यों बताए थे वो वाला इस्टर का फॉर्मेशन, क्योंकि इस्ट्री जो इस्ट्रीफिकेशन है इसमें आपको वही यूज है क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड जब रिएक्ट करता है अल्कोहल से
फ्यू ड्रॉप ऑफ कंसंट्रेशन H2SO4 के प्रेजेंस में, जैसा कि अभी पीछे बताए हैं, तो आपका बनता क्या है इस्टर, और उसमें से एक स्मेल निकलता है, वो स्मेल कौन सा है, स्वीट स्मेलिंग, क्लियर। अब ये आपका जो है रिएक्शन है, ये सब आपको पीछे बता दिए, फिर से आप लोग फटाफट इसको देख लीजिए। एथिल एसीटेट है प्लस NaOH के प्रेजेंस में, इन दोनों के प्रेजेंस में जब एथिल एसीटेट बोलो या एथिल एथनोएट बोलो, ठीक है, जब NaOH में सोडियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में एथिल एथनोएट को रिएक्ट करवाएंगे, तो आपका यहाँ पे क्या बनेगा, सोडियम एसीटेट। यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं सोडियम एसीटेट, और यहाँ पे आप लिख सकते हैं क्या, इथेनॉल, ये आपका एल्कोहल है तो दो है तो इथेनॉल हो जाएगा, क्लियर। अब यहाँ पे आपका CH3COCH2CH3, अगर यहाँ पे आपको ऐसे लिखा जाए CH3COC2H5, क्या इन दोनों में अंतर है, नहीं, दोनों सेम है। इसको हम लोग एक्सप्लेन कर दिए, यहाँ पे CH2CH3 कर दिए हैं और यहाँ पे C2H5 ही है, कहीं कहीं ऐसा लिखा है और कहीं कहीं पूरा एक्सप्लेन करके लिखा गया है CH2CH3। तो यहाँ पर नाम दोनों का सेम है, क्या एथिल एसीटेट या एथिल एथनोएट, क्लियर। कंफ्यूज नहीं होना आपको, क्योंकि अभी आप लोग क्लास 10th में हैं, छोटे बच्चे हैं, तो आप लोगों को यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि ये जो रिएक्शन है ना आपके एग्ज़ाम में आ सकता है और पूछता भी है, इसलिए हम आपको बता रहे हैं CH3COC2H5 जो है, कभी कभी ऐसे भी लिखा जाता है कहीं, जैसा कि यहाँ पे लिखा गया है। अब ये जब H2SO4 के प्रेजेंस में रिएक्ट करवाएंगे तो निकलता क्या है, एस्टिक एसिड और इथेनॉल, क्लियर। अब एक नया टॉपिक आता है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से आपको जैसे फिगर ये बना के दे देता है और इस पे आपको लिखना पड़ता है, तो आप इसमें क्या क्या लिखेंगे ये अभी हम आपको बताएंगे, बस इसमें हम आपको फटाफट समझाएंगे इसमें क्या करना है कैसे है, तो आप लोग इसको अच्छे से लिख लीजिएगा, ओके। तो इसमें है स्ट्रक्चर ऑफ ए सो मॉलिक्यूल्स, क्लियर। अब इसमें जैसे आप लोग के घर में सब लोग या आप लोग ही कपड़ा धुलते हैं, तो वो कपड़ा जब आप लोग क्लोथ को क्लीन करते हैं तो कैसे करते हैं, फर्स्ट स्टेप क्या है, पहले आप लोग क्लोथ लेते हैं, उसके ऊपर देखते हैं ना ये जो कॉलर, जैसे आप लोग कोई शर्ट लिए, शर्ट के कॉलर पे वो जो मैला लगा रहता है उसको बोलते हैं क्या, स्ट्रम को हम लोग क्या बोलते हैं, मैला या मैल, ओके। तो ये क्या होता है, जैसे आप लोग शर्ट को धुल रहे हैं तो पहले आप लोग क्या करते हैं, एक बाल्टी लेते हैं, उस बाल्टी में पानी रहता है डालते हैं, पानी डालने के बाद डिटर्जेंट डालते हैं, ओके। जब आप लोग डिटर्जेंट डालते हैं फिर उसको थोड़ा सा सेक करते हैं, मीन्स घोलते हैं, घोलने के बाद उसमें क्लोथ को डालते हैं, जब आप लोग क्लोथ को डालते हैं उसमें जो ब्लैक कलर का वो गंदा लगा रहता है, गंदा हो जाता है, तभी तो आप लोग कहते हैं ना वो स्पम, उसको बोलते हैं सॉरी उसे मिसेल बोलते हैं, मीन्स वो जो गंदा पार्टिकल होता है, ठीक है। अब आप लोग क्या करेंगे, कपड़े को भिगो दिए, ठीक, जब आप लोग कपड़े को भिगो देते हैं तो वो काफ़ी देर बाद फूल जाता है, मीन्स उसमें जो ब्लैक होता है शर्ट में गंदा, वो आपका बाहर आ जाता है, तो जब वो बाहर आता है तो आप लोग क्या करते हैं, अब ये आप लोग सोचते हैं कि ये हो गया है, अब चलते हैं थोड़ा सा क्लीन कर लेते हैं, मीन्स साफ़ कर लेते हैं कपड़े को। जब आप लोग कपड़े को साफ करते हैं तो एक ब्रश लेते हैं, उस जैसे ये कपड़ा है तो कपड़े को ऐसे ब्रश से साफ करते हैं, वो जो ब्लैक कलर का पार्टिकल्स होता है वो आपका धीरे धीरे बाहर जाता है ना, जाता है बाहर, वो जब ऐसे ऐसे आप लोग उसको कपड़े को रगड़ते हैं उस पर, तो वो धीरे धीरे रब करते हैं तो कहाँ जाता है, धीरे धीरे बाहर जाता है, जब वो धीरे धीरे बाहर जाता है तो आपका जो शर्ट होता है वो साफ होता जाता है, क्लीन होता रहता है ना। जब फिर आप लोग क्या करते हैं, एक बाल्टीन दूसरे बाल्टीन पानी लेते हैं, फिर उस कपड़े को उसमें भिगोते हैं, भिगोने के बाद जब आप ऊपर उठाएंगे उस कपड़े को तो उसमें से ब्लैक पूरा ऊपर से नीचे जो वो
पानी का वो ड्रॉप होता है वो, और जो गंदा मैला होता है तो उसमें से वो धीरे धीरे पानी से आ जाता है कहाँ पे, उस बाल्टी में आ जाता है, उस शर्ट से ड्राफ्ट होकर मीन्स नीचे गिरता है, तभी तो वो कपड़ा, वो जो क्लोथ होता है वो आपका क्लीन होता है। फिर आप क्या करते हैं, दूसरे बाल्टी में लेके जाते हैं, दूसरे बाल्टी में उसको जब भिगोते हैं फिर ऊपर करते हैं कपड़े को, तो कपड़ा अच्छे से क्लीन हो जाता है, मीन्स वो जो क्लोथ होता है, वो जो शर्ट आप धुले वो अच्छे से साफ हो जाता है। तब आप लोग उसको थोड़ा सा करके डालते हैं, है ना। तो अब ये होता है, थोड़ा शर्माना नहीं है यहाँ पे आप लोगों को, क्योंकि ये है, अगर आप समझेंगे नहीं तो आपको आएगा नहीं। तो वही होता है, ये सब वही प्रोसेस है। अब यहाँ पे ये जो निकल रहा है ना, ये आपका जो गंदा पार्टिकल्स है, जो क्लोथ का गंदगी है, सब ये बाहर निकल रहा है, सब यही पार्टिकल्स है आपका, और ये आपका ऑयल ड्रॉप है। ओके, तो आई होप ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और आपका जो क्लोथ है वो भी क्लीन हो गया है ना। तो आज जाइएगा, अगर आप लोग अभी तक कपड़ा अपना खुद नहीं साफ करते हैं, तो आज आप लोग जाइएगा और साफ करिएगा खुद। ओके, और ये है आपका टॉपिक स्कम। ये क्या होता है, स्कम मीन्स मैला। वही जब मैग्नीशियम और कैल्शियम साल्ट जो होता है, जब प्रेजेंस रहता है हार्ड वाटर में, तो वो रिएक्ट करता है सोप मॉलिक्यूल से, तो वहाँ पर जो प्रोडक्ट होता है वो इन सॉल्युएबल हो जाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्कम बोलते हैं। जैसे आप लोग हम लोग अभी कपड़ा को क्लीन किए, मीन्स कपड़े को साफ कर चुके ना, सपोज कर लो भाई हम लोग मैथ वाले हैं तो सुने हैं, तो मीन्स साफ कर चुके हैं। ओके, तो जो लोग बायो वाले हैं वो आज जाके साफ करेंगे, और मैथ वाले अगर 11th में मैथ लेंगे तो वो लोग सपोज कर लेंगे। ओके, तो अब आप लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि अब जो क्लीन हुआ है क्लोथ, उसको आप लोग कैसे किए थे, यूज किए थे आप डिटर्जेंट का, ठीक है, डिटर्जेंट मॉलिक्यूल्स का हम लोग यूज किए थे। अब फॉर्मेशन क्या हुआ था, इन सॉल्युएबल प्रोडक्ट मीन्स वो जो मैला था वो तो गंदा है, वो गंदा था, फिर जब हम लोग उसको क्लीन किए फिर वो साफ हुआ था, तो वो किस लिए हुआ था, इसी की वजह से वो जो इन सॉल्युएबल प्रोडक्ट था वही क्या है, स्कम है। ओके, अब जब कपड़ा क्लीन हो जाता है तो हम लोग डाल देते हैं, फिर पहन लेते हैं, कोई बात नहीं। ये टॉपिक आपका ख़त्म हो गया, इसमें कुछ था नहीं, बस यही था कि वही कपड़ा धोने वाला प्रोसेस था, वही आपको बताना था। ये एग्ज़ाम में पूछता है व्हाट इज स्कम, तो बस आपको इतना लिखना पड़ेगा, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम साल्ट प्रेजेंट इन हार्ड वाटर रिएक्ट विथ सोप मॉलिक्यूल्स टू फॉर्म इन सॉल्युबल प्रोडक्ट कॉल्ड स्कम। जब मैग्नीशियम और कैल्शियम साल्ट प्रेजेंट रहेगा कहाँ पे, इन हार्ड वाटर, तब वो रिएक्ट करता है सोप मॉलिक्यूल्स के, सोप मॉलिक्यूल से फॉर्मेशन क्या होता है, इन सॉल्युएबल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं स्कम। स्कम का हिंदी होता है मैला, मीन्स गंदी चीज, जैसे कपड़ा था वो कपड़ा गंदा था तो उसको हम लोग स्कम बोल सकते हैं। क्लियर, आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। किसी को भी कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग पूछ सकते हैं। और हाँ, इस वीडियो को आप जितना ज़्यादा लाइक करेंगे, इस पर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी बहुत है, वो भी हम आपको बता देंगे, लेकिन आप लोग जितना ज़्यादा शेयर करेंगे, और आपके घर में जितना भी फ़ोन है सब फ़ोन में आप सब्सक्राइब कर दीजिए और देखिए हर एक चीज़, क्योंकि बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो हम भी बहुत अच्छा अच्छा वीडियो आप लोगों को बना के देंगे। आप लोग कमेंट करके बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा। और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है भैया, कहीं से पूछे या ना पूछे, बस इस टॉपिक से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पुटअप किया गया है। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर नहीं सॉल्व कर रहे हैं, तो आप लोग जैसे कोई टॉपिक पढ़े हैं, जैसे ये चैप्टर हम आपको पढ़ा दिए, इस चैप्टर से जितना भी क्वेश्चन बन सकता है आप लोग लगाइए। आप लोग पहले तो पहली बार ये है आप लोगों का फर्स्ट क्या है कि आप लोग इसको याद करेंगे, उसके बाद सेकंड है पहले आप एनसीईआरटी लगाएंगे, क्योंकि आप लोग क्लास 10th में हैं,
और एनसीईआरटी से ही आपका क्वेश्चन पुट अप होता है। बस आप लोग क्या करें, जैसे साइड बुक है, साइड बुक अगर आप लोग पढ़ेंगे तो आप लोगों का कॉन्सेप्ट जो है ना और क्लियर हो जाएगा। जो थोड़ा सा इधर उधर रहता है, नहीं समझ में आता है, जब आप लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, वो चीज़ आप लोगों को और ज़्यादा आने लगेगा। जब और आने लगेगा तो आप लोग और अच्छे से वो चीज़ तैयार हो जाता है, तो कभी भूलेगा नहीं। इसलिए हम कह रहे हैं आप लोग पहले इसको पढ़िए, जैसे आज हम इसको आपको पढ़ा दिए, इसके बाद आप लोग एनसीईआरटी का क्वेश्चन जितना पुटअप हुआ है सब आप लोग अपने मन से सॉल्व करिए। उसके बाद जो नहीं आ रहा है उसको आप पूछिए, या तो जो है आपके घर में आप उससे पूछ लीजिए, वो बता दे ठीक है, नहीं तो हम बताएंगे आपको, आप लोग बस कमेंट करिए। उसके बाद आप लोग साइड बुक अगर है तो आप लोग उससे क्वेश्चन सॉल्व करिए, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और आपको एनसीईआरटी के बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है एग्ज़ाम के टाइम, एग्ज़ाम के 2 या 3 महीना पहले से आप लोग इसको पढ़िए। बस इसको थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, मीन्स आप लोगों का ये तैयारी रहेगा, थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, उसके बाद आप लोग एनसीईआरटी लगाएंगे। एनसीईआरटी ऐसा पढ़ो कहीं से भी कोई क्वेश्चन आए ना तो आप लोग कर ले जाओ यार, क्योंकि ये इतना इजी है। इसके बाद आप लोगों को ना 3-4 चैप्टर मिलने वाला नहीं है, फिर 12-12, 13-13 चैप्टर बस केमिस्ट्री का, और इतना बड़ा सिलेबस है कि आप लोग परेशान हो जाएंगे। लेकिन हाँ, जो बच्चे पढ़ते हैं ना उनके लिए सब इजी है। आप लोग जैसे मेहनत कर रहे हैं वैसे ही लगे रहिए, और 11th में आपको और मेहनत करना पड़ेगा, इतने से काम नहीं चलेगा। अभी है क्या है कि ये सब जो चैप्टर है ना बहुत छोटा छोटा, और इस चैप्टर में कुछ है नहीं। आप लोग अगर अच्छे से पढ़ेंगे, बस आप लोग पढ़िए, नंबर के चक्कर में मत पढ़िए। अगर आप लोग नंबर के चक्कर में पढ़ेंगे फिर गड़बड़ हो जाएगा। आप लोग अगर अच्छे से पढ़ेंगे तो आपका नंबर भी बहुत अच्छा आएगा, आप 90+ के ऊपर आ जाएगा। बस मेरा ही अगर आप लोग पढ़ लेंगे ना केमिस्ट्री, तो देख लीजिएगा आपका सारा क्वेश्चन फंसेगा और सब आएगा इसमें से। आप लोग बस पढ़िए। तो ये जो टॉपिक है यहाँ से आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन फिक्स है कि आना ही आना है। आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के देखिए, वहाँ से आपका स्ट्रक्चर बनाने का दिया है, चैन आइसोमेरिज, पोजीशन आइसोमेरिज, जो जो बनता है वो आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो पक्का यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। अगर बहुत बहुत हाई लेवल का अगर दे देगा, बहुत ज़्यादा हार्ड पेपर देगा, तो यहाँ से आप लोगों का 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा, लेकिन आप लोगों का हार्ड नहीं आएगा, मीन्स आपका ये 5 नंबर का पूछेगा। फुल एक्सप्लेन करने को दे देता है, एक्सप्लेन द आइसोमेरिज, तो आप लोग इसका डिफिनीशन लिखेंगे, ये कितने टाइप का होता है वो लिखेंगे, फिर इसके कितने टाइप होते हैं वो लिखेंगे, फिर इसका जो चैन आइसोमेरिज, पोजीशन आइसोमेरिज, फंक्शनल आइसोमेरिज, आप लोगों में अभी 3 ही आइसोमेरिज हैं, जब आप लोग आगे जाएंगे तो कई आइसोमेरिज मिलेंगे आपको, ठीक है। तो आप लोग बस 3 पढ़िएगा, उसके बाद तीनों का स्ट्रक्चर आप लोग अच्छे से बनाइएगा। हम आपको इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर इसका बना चुके हैं और दे चुके हैं, आप लोग वीडियो को देखिएगा, वहाँ से आपका 5 मार्क्स क्वेश्चन फिक्स है। अगर आप लोग अभी तक नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिएगा। आइए अब हम लोग देखते हैं आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म क्या होता है? दोज कंपाउंड विच है मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम एंड स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट एंड फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आल्सो डिफरेंट इज नोन एज आइसोमर एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज आइसोमेरिज्म। ये जो कंपाउंड होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला का, वो सेम होता है, स्ट्रक्चर अलग अलग होगा। जैसे C2H5OH है, तो इस ये जो है C2H5OH, ये आपका इथेनॉल है, ये इथेनॉल का स्ट्रक्चर आपका अलग अलग बनेगा, ठीक है, अलग अलग बनेगा, लेकिन आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम रहेगा, ओके। और केमिकल प्रॉपर्टी और फिजिकल प्रॉपर्टी जो है ये आल्सो डिफरेंट रहेगा, मीन्स इसी को हम लोग बोलते हैं आइसोमर, और इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं आइसोमेरिज्म। क्या इन इसी को, किसको? मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो, स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट हो, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी आल्सो डिफरेंट हो,
इसी को बोलते हैं आइसोमर, और इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं क्या, आइसोमेरिज्म। क्लियर? ये कितने टाइप का होता है? दो टाइप का होता है। कौन सा? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। फर्स्ट है स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म में क्या होता है? चैन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म। अरे भैया ये बहुत इम्पोर्टेंट है, आप लोगों को सबको पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पक्का आता है। ये जो है ना, यही आपसे पूछ सकता है, और काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन में जैसे हम लोग देखे हैं जो भी पेपर है इसमें ये वाला C5H12O दे दिया है, और इसका स्ट्रक्चर कितना स्ट्रक्चर बन सकता है चैन आइसोमेरिज में, पोजीशन आइसोमेरिज में और फंक्शनल आइसोमेरिज में, जितना भी स्ट्रक्चर बन सकता है उतना आपको बनाना पड़ेगा, तब आपको 5 मार्क्स मिलेगा चेन आइसोमेरिज्म। अब आता है चेन आइसोमेरिज्म क्या होता है, इसका भी मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम रहेगा और जो स्ट्रक्चर बनेगा वो अलग अलग बनता है, ठीक है, इसी को बोलते हैं चेन आइसोमेरिज्म। इसमें चेंज क्या होता है, चेन, चेन का चेंज अगर हुआ तो वहाँ पे आप लोग बोलेंगे ये चेन आइसोमेरिज्म है। जैसे C5H12O है तो इसका कितना चेन बनेगा, आइए हम लोग बना के देखते हैं। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे जैसे कार्बन 5 है, पहले हम लोग 5 कार्बन बना लेंगे, ये आपका 5 कार्बन बन गया। अब इसमें क्या है, H जो है वो 12 है, ठीक है, और एक OH है तो हम लोग एक OH यहाँ पे लगा देते हैं, ठीक। अब यहाँ पे बैलेंस करेंगे H को, यहाँ पे H2 कर दें, फिर यहाँ पे H2 कर दें, फिर यहाँ पे H2 कर दें, क्यों, क्योंकि कार्बन के पास कितना है, 4 होता है, टेट्रावेलेंसी वाला होता है, ठीक। अब यहाँ पे आपका H3 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि H3 और एक यहाँ सिंगल बॉन्ड जुड़ा है, 4 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 2, 1, 3, 1, 4 सबका बैलेंस हो गया। अब यहाँ पे गिना जाए क्या, C5H12O है, तो ये आपका स्ट्रक्चर बना है, दिख रहा है, हाँ यह आपका स्ट्रक्चर है, इसका नाम क्या है, 1, 2, 3, 4, 5, तो 1, 2, 3, 4, 5 एन पेंटेन। क्यों हम एन लगाए हैं, इसलिए एन लगाए हैं क्योंकि सब में आपको सिंगल बॉन्ड लग रहा है, ठीक। एन पेंटेन है, यहाँ पे ओ एच है, मीन्स एन पेंटेनॉल हम यहाँ पे लिख सकते हैं, पे ई को हम लोग रिप्लेस करेंगे और ओएल लगा देंगे, ओके। अब आपका सेकेंड क्या बनेगा, यहाँ पे देखते रहिए, जैसे यहाँ पे एक कार्बन यहाँ हो गया, दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे, चौथा यहाँ पे, फिर एक कार्बन यहाँ पे हम लोग कर दें, 1, 2, 3, 4, 5 5 कार्बन होना चाहिए और एक ओएच यहाँ पे। अब हम लोग इस ओएच को क्यों नहीं चेंज कर रहे हैं, क्योंकि आपका फंक्शनल ग्रुप में आ जाएगा, है ना, बस आपको चेन चेंज करना, चेन मीन्स ये कार्बन को अलग अलग प्लेस पर करना है, ओके। तो अब यहाँ पे कितना आ जाएगा, H2 ही रहेगा, यहाँ पे H हो जाएगा, क्यों, क्योंकि एक कार्बन यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे 3 हो गया और एक ये 4, यहाँ पे H2 हो जाएगा, यहाँ पे H3 हो जाएगा, क्लियर। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, H3 हो जाएगा। अब इसका नाम क्या है, 1, 2, 3, 4, या तो आप लोग ऐसे भी 1, 2, 3 कर सकते हैं, नहीं कर सकते, अगर यहाँ से चले 1, 2, 3, 4 आपका गलत हो जाएगा। क्यों हम लोग इधर से चले हैं, क्योंकि आपका ये फंक्शनल ग्रुप है, इसलिए हम लोग यहाँ से स्टार्ट किए 1, 2, 3, 4। लॉन्ग चेन हम लोग देखते हैं पहले, तो लॉन्ग चेन चूज करेंगे, दूसरा क्या है कि फंक्शनल ग्रुप जिधर से रहेगा उधर से हम लोग काउंट करेंगे नंबर 1, 2, 3, 4। अब यहाँ पे 4 आ गया, 2 पे क्या है आपका, 2 पे है मेथिल, 2-methyl, 4 है यहाँ पे आप लोग ब्यूट करेंगे, ब्यूट, यहाँ पे 1 पे ऑल है तो 1-ऑल, ये भी आपका राइट है।
ओके अब इसमें आपका दो बनेगा। अगर इस CH3 को आप यहाँ कर देंगे तब भी तो 2 पे आएगा, इसलिए इसमें बस आपका 2 बनेगा। अब चैन में हम लोग चलते हैं। चैन क्या होता है भाई? अब यहाँ पे देखा जाए कार्बन चेंज ड्यू टू चैन। चैन में क्या होता है? बस आपका कार्बन एक जगह से दूसरे जगह पे रिप्लेस होगा, ना कि फंक्शनल ग्रुप रिप्लेस होगा। क्लियर? अब आपका आता है पोजीशन आइसोमेरिज्म। पोजीशन आइसोमेरिज्म में क्या होता है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा, स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट होगा ड्यू टू चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। मीन्स ये जो आपका OH यहाँ पे दिख रहा है, इसको हम लोग कहीं यहाँ पे लगा देंगे, कभी यहाँ पे लगा देंगे, तो यही आपका पोजीशन आइसोमेरिज्म है। आइए ये भी हम लोग देख लेते हैं। C5H12OH का, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पहले तो कार्बन 5 बनाएंगे, 5 कार्बन हो गया, एक OH यहाँ पे हम लोग लगा देते हैं, ठीक। अब यहाँ पे सब बैलेंस कर देते हैं। कार्बन का भाई कौन सा है हम आपको बताए हैं? जो लोग पढ़े हैं वो बताएं जल्दी। हाँ, हाइड्रोजन है। कार्बन का भाई कौन सा है? हाइड्रोजन। जब कार्बन का साथ कोई नहीं देता है तो यहाँ पे हाइड्रोजन जो है ऐड कर दिया जाता है। अब यहाँ पे देखिए कार्बन जैसे कहीं ऐसे से लिखा रहता, ऐसे से बनाया रहता है, तो यहाँ पर कुछ नहीं है, तो वहाँ पे आप लोग मानेंगे यहाँ पे H है, ठीक है। क्यों? क्योंकि कार्बन का भाई कौन है? हाइड्रोजन है। ये हम आपको बताएं, जब कार्बन का कोई साथ नहीं देगा तो कार्बन का कौन साथ देता है? हाइड्रोजन। यहाँ पे H2 रहेगा, 1, 2, 3, 4, 5। तो अब यहाँ पे काउंटिंग आप किधर से करेंगे? जिधर फंक्शनल ग्रुप है, 1, 2, 3, 4, 5। ये लॉन्ग चैन हो गया। फंक्शनल ग्रुप कहाँ पे है? 1 पे है। तो आप लोग इसका क्या नाम देंगे? पेंटेन होता है, तो 1 पे ऑल है, तो पेंट हो गया। बस ई को हटाएंगे, यहाँ पे 1 ऑल लगा देंगे। क्लियर? अब सेकेंड आता है, ये आपका फर्स्ट हो गया, अब सेकेंड आता है। देखते हैं अभी इसमें पोजीशन में कितना बन सकता है, 3, 4, 5। अब इसमें आपको कार्बन को नहीं हटाना है, कार्बन 5 ऐसे ही रहेगा किसमें, पोजीशन में। बस आपका ये जो फंक्शनल ग्रुप है वो चेंज होगा। अब हम लोग फंक्शनल ग्रुप को यहाँ पे कर दें अगर, तो क्या हो जाएगा? अब यहाँ पे हम लोग जोड़ें क्या? CH3, CH2, CH2, CH, CH3। 3, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। कार्बन 12 है। अरे कहीं गलत हो गया क्या? यहाँ पे CH3, 3, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 सही तो है। यहाँ पे आपका C5H11OH होगा, क्योंकि 12 होना चाहिए ना। यहाँ पे 3 बैलेंस है यहाँ भी, और हर जगह 2-2 चाहिए, तो हर जगह तो बैलेंस हो गया है ना, इसलिए यहाँ पे C5H11OH रहेगा। H जो है आपका 12 पूरा मिला के होना चाहिए, और O है, एक O हो गया। वहाँ पर भी अगर गलत है तो आप लोग सही कर लीजिएगा, ये आपका सही है, C5H12O है, और यहाँ पर क्या हो गया है, C5H12O। यच यहाँ पर भी एक है, तो इसलिए यहाँ पे जो है आपका 11 रहेगा, ठीक है। बस आपका यही थोड़ा मिस्टेक था, आप लोग सही कर लीजिएगा। अब आइए इसका नाम हम लोग देखते हैं, कितने लोग कर चुके हैं, नाम बताइए, बताइए जल्दी। 1, 2, 3, 4, 5। इसका नाम क्या होगा? 5 है। 5 मीन्स आपका यहाँ पे हो जाएगा पेंट। कितने पर है? 2 पे है। क्या है? OL है, मीन्स एल्कोहल है, तो यहाँ पे 2 ऑल, ठीक। ये सब आपके एग्जाम में 5 मार्क्स में पूछेगा। पहले आप लोग चैन वाला बनाएंगे, चैन में आपका 2 बनेगा, पोजीशन में आपका 3 बनेगा, 2 बना है, अभी एक और बन जाएगा। तो हर एक पे एक एक नंबर मिलता है, इस पे एक, और जैसे दे दे आपके एग्जाम में। इसमें और भी कुछ पुटअप कर सकते हैं, ये थोड़ी ना है कि यही पुटअप होगा, लेकिन खास करके आपके एग्जाम में यही आता है, चैन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म और फंक्शनल आइसोमेरिज्म, सब चेंज करना होगा, 5 नंबर में पूछता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक और बनेगा, कैसे आप लोग बनाइए CH3 CH2। जितने लोग वीडियो देखें वो लोग अच्छे से बना लेंगे। यहाँ पे एक OH आप कर देंगे, यहाँ पे क्या होगा CH2, यहाँ पे क्या होगा CH3, यहाँ पे दूसरे नंबर पे था, अब यहाँ पे तीसरे नंबर पे फंक्शनल ग्रुप रिप्लेस हो गया है, तो 1, 2, 3, 4, 5।
अब यहाँ पे जैसे हम लोग यहाँ से किए 1, 2, 3, 4, 5 नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट हुआ, और हम लोग नंबरिंग यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते थे 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5। चाहे हम लोग इधर से नंबरिंग स्टार्ट करें, चाहे नंबरिंग इधर से स्टार्ट करें, दोनों सेम आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे 3 पर, इधर से जब हम लोग इधर से चल रहे हैं तो 3 पर OH आ रहा, मीन्स फंक्शनल ग्रुप आपका 3 पे आ रहा है। जब हम लोग इधर से चल रहे हैं इधर, तो तब भी आपका फंक्शनल ग्रुप आपका 3 पे आ रहा है। तो अगर आप लोग इधर से काउंटिंग करेंगे तब भी आपका सेम है, अगर इधर से काउंटिंग करेंगे तब भी आपका सेम ही आएगा। अब आप लोग इसका नाम क्या किए हैं, पेंट 3 ऑल, क्लियर। काफ़ी लोग यहाँ पे क्या करेंगे, AL कर देंगे। AL किसके लिए होता है, CHO के लिए होता है। यहाँ पे क्या है, OH है, मीन्स एल्कोहल है। एल्कोहल के लिए क्या लगता है, OL लगता है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में आपका नंबर इसी पे कटेगा, और पक्का कटेगा। काफ़ी लोग यहाँ पे गलती करके ही आएंगे, इसलिए ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। वहाँ पे जब आप यहाँ पे अभी आप लोग पढ़ रहे हैं, इसलिए आपको आ रहा है कि OH जो है एल्कोहल के लिए लगता है, सॉरी OH तो अल्कोहल के लिए है ही, OL जो है वो आपका सिंबल है। OL अगर है तो आपका अल्कोहल है, लेकिन जहाँ पे OH लगा रहेगा आप लोग वहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे एग्जाम में, OH था कि AL था। तो आप लोग हमेशा अल्कोहल है, OH है, तो आप लोग OH के प्लेस पर L लगा देंगे, बस AL मत लगाइएगा। क्यों, क्योंकि AL CHO के लिए होता है, आप लोग OL लगाइएगा, क्लियर। नंबर यहीं पर आप लोगों का कटेगा, जितने लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। अब आता है आपका तीसरा, फंक्शनल आइसोमेरिज्म। इसमें आपका क्या होता है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला जो होता है वो सेम होता है, स्ट्रक्चरल फार्मूला जो होता है वो आपका डिफरेंट होता है, और इसमें चेंज क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप चेंज होता है। जैसे यहाँ पे एल्कोहल है, अब यहाँ पे आपका ऑक्सी लग गया है। अब यहाँ पे जैसे देखिए CH3, यहाँ पे देखिए CH3 CH2OH है, मीन्स इथेनॉल है। तो इथेनॉल किस में कन्वर्ट हुआ, मेथॉक्सी मेथेन में, CH3OCH3। अब यहाँ पे आप लोग कैसे नंबरिंग करते हैं, जैसे यहाँ पे O है तो O के इधर आप 1 करेंगे, O के इधर आप फिर से 1 करेंगे। अब यहाँ पे फर्स्ट है, फर्स्ट के लिए अब इधर आप क्या करेंगे, अगर लॉन्ग चैन है, जैसे यहाँ पे अगर आपको CH2CH3 दे देता तो आप यहाँ पे लिखते हैं मेथॉक्सी इथेन, ठीक है। अगर शॉर्ट है इधर, मीन्स जो छोटा वाला चैन रहेगा उसके लिए, शॉर्ट चैन के लिए आप ऑक्सी लगाएंगे, और इधर आपका अगर लार्ज है, मीन्स लॉन्ग चैन है, तो आप लॉन्ग चैन के लिए एन का यूज करेंगे। जैसे यहाँ पे CH3 है तो आप मेथॉक्सी लगा दिए, अब यहाँ पे CH3 है फिर आप मेथेन लगा दिए। अगर यहीं पर CH2CH3 होता तब भी आप यहाँ पे मेथॉक्सी लगाते, फिर यहाँ पे आप इथेन लिख देते, क्लियर हुआ। अब आपका ये आता है रिएक्शन विथ कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब ये है आपका एस्टिक एसिड, और ये है क्या, सोडियम कार्बोनेट। इन दोनों को रिएक्ट किया गया, बना है आपका क्या, CH3COOH। इसका नाम आपको पता है क्या है, सोडियम एसीटेट, और ये क्या है, पानी है, जो कि आप लोग जानते ही हैं। और ये आपका क्या है, एस्टिक एसिड है, और ये क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, और ये आपका क्या है, CH3COOH। ये क्या है आपका, एथिल नहीं, सोडियम एसीटेट है ये। अब यहाँ पे आपको NaHCO3 का फार्मूला आपके एग्जाम में पूछेगा, और Na2CO3 का भी पूछेगा। अब यहाँ पे एक होता है वाशिंग सोडा, एक होता है ब्रेकिंग सोडा। तो वाशिंग सोडा कौन सा होता है और ब्रेकिंग सोडा कौन सा होता है, वो आप लोग बताइए। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों आपके एग्जाम में पूछा जाता है। थोड़ा सा आप लोग डिटर्जेंट के बारे में यहाँ पे देख लीजिए, जैसा कि हम लोग पीछे भी बताए थे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा यूज है और थोड़ा सा अलग से है, आप लोग देख लीजिए। लास्ट टॉपिक यही है, इसके बाद आप लोग जाइए खाना खाइए, या जो आपको करना वो आप लोग करिए, ठीक है। बस आप लोग यहाँ तक देखिए, उसके बाद इसको रिविजन एक बार कर लीजिएगा, आपको सारी चीज़ें अच्छे से आ जाएंगी। जैसे डिटर्जेंट आर जनरली अमोनियम आर सल्फोनेट साल्ट ऑफ लॉन्ग चैन कार्बोक्सिलिक एसिड। डिटर्जेंट में क्या होता है, अमोनियम और सल्फेट साल्ट का एक लॉन्ग चैन होता है, लॉन्ग चैन कार्बोक्सिलिक एसिड का, क्लियर। अब इसका यूज कहाँ होता है, आइए वो भी हम लोग देख लेते हैं। बर्थडे तो मनाया ही जाएगा, है ना। अब हम लोग केक काटेंगे, जब पूरा पढ़ लेंगे तभी तो काटेंगे ना, आप लोग को अच्छे से आ जाएगा, यही हमारा टारगेट है, ओके। आप लोग का अच्छा नंबर आए, इसीलिए हम आज के दिन आपको
ये सारी चीज़ें अच्छे से पढ़ा दें, क्योंकि ये दो चैप्टर है, कौन सा, एक है पीरियाडिक टेबल और दूसरा है ये चौथा चैप्टर, ये दोनों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्लास टेंथ के लिए, इसलिए दोनों का हम अच्छे से वो निपटारा क्लास और निचोड़ क्लास आप लोग देखिएगा। दोनों में निचोड़ में क्या है कि आपको क्वेश्चन कराया गया है, और निपटारा में आपका जैसे ये जो पीरियाडिक टेबल का चैप्टर है वो पूरा, जैसे आपको क्विक रिवीजन अभी इस चैप्टर का करवाए हैं उसमें भी आपको करवाएं, तो आप लोग उसको भी निचोड़ और निपटारा क्लास देखिएगा, बहुत अच्छा है, आपको वहाँ से बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो प्लीज़ गाइज आप लोग हमारे वीडियो को देखिए, लाइक करिए और शेयर करिए, और अपने फ्रेंड को भी बताइए कि यहाँ पे पढ़िए, आप लोगों को अच्छा नोट्स भी मिल रहा है, समझा भी रहे हैं आपको, बस आपको पढ़ना है, और हम चाहते हैं कि आप लोग पढ़िए और अच्छा नंबर लाइए। और आप लोग जैसे जब नहाते हैं तो क्या यूज़ करते हैं, शैम्पू का, तो ये डिटर्जेंट का यूज़ कहाँ होता है, शैम्पू में, कपड़ा धोने में काम आता है, वो जो निरमा होता है ऐसा हम लोग बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे सोप का फार्मूला क्या होता है, C17H35COO-Na+, ये आपका सोप का फार्मूला होता है, आप लोग जानते रहिए, और कोई कोई होते हैं कि पूछ भी लेते हैं, तो आप लोग इसको याद भी कर लीजिएगा, ठीक है। इसी से बनता है, इससे और Na+ यहाँ पे ऐड करेंगे अभी, फिर जो है आपका सोप का फॉर्मेशन होगा लाइक दिस, ओके। थैंक यू गाइस, आप सभी लोगों को धन्यवाद, आप लोगों को दिल से धन्यवाद, आप लोग ऐसे पढ़िए, और सभी बच्चे हमारे जितने भी स्टूडेंट हों, चाहे वो गर्ल्स हैं या बॉयज़ हो, सब लोग अच्छा नंबर लाइए और टॉप करिए, और आप लोग जहाँ भी रहिए खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, ओके। आप लोगों का प्यार मिला, थैंक यू गाइज एंड लव यू, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।